यही है मुंबई का मोनोरेल का स्टेशन, ऐसा ही दिखता है मोनोरेल का स्टेशन। फिलहाल टाइमिंग की बात करते हैं, जो इधर है और वो उधर है ना, उसी पे, वो बीम पे ही अपनी मोनोरेल दौड़ेगी। ये आ गई अपनी मोनोरेल, चलिए चलते अपनी मोनोरेल के अंदर पहली बार। ये फिलहाल आप इसकी स्पीड देख सकते हैं, ये देखिए कैसे घर है, बगल में पूरा बड़ा बड़ा बिल्डिंग है और उसके बगल में ऐसे घर सब। अभी बात करें प्राइस की, तो प्राइस पड़ता है। अभी बात करते हैं क्यों मोनोरेला के फेल्ड प्रोजेक्ट है। क्या हाल है आप लोग का, स्वागत है एक और ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और आशा करता हूँ कि ब्लॉग्स देख रहे हैं। तो ये मैं आपके लिए लेके आ गया एक और नया ब्लॉग। फिलहाल आप टाइटल और थंबनेल देख के आपको मालूम चल ही गया होगा कि मैं कौन सा ब्लॉग लेके आने वाला हूँ। मैं फिलहाल मोनोरेल का ब्लॉग लेने वाला हूँ, जो इंडिया में सिर्फ एकमात्र मोनोरेल दौड़ता है, वो दौड़ता है यहाँ पर मुंबई में। तो इसलिए आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट लेने के लिए मैं मुंबई आ गया हूँ फिलहाल। तो आप देख सकते हैं यही है मुंबई का मोनोरेल का स्टेशन। फिलहाल मैं हूँ चेंबूर में, तो चेंबूर से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। कहाँ तक ट्रैवल करने वाला हूँ, हिस्ट्री क्या है इस मोनोरेल का और इंडिया में क्यों सिर्फ ये एकमात्र मोनोरेल है, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल चलता हूँ ऊपर, टाइमिंग्स बताने वाला हूँ, फ्रीक्वेंसी बताने वाला हूँ, सब स्टेशन भी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अभी मैं ऊपर चलता हूँ और देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलता है यहाँ से, और उसके बाद बताएंगे ही। ये मैं फिलहाल टिकट कटवा के आ गया हूँ स्टेशन पे, लाइक ऊपर एकदम जहाँ अपना मोनोरेल आने वाला है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ही दिखता है मोनोरेल का स्टेशन, और यही पटरी है इसका। तो मोनोरेल सुन के आपको मालूम चल ही गया होगा सिर्फ एक ट्रैक पे दौड़ता है और सिर्फ इंडिया में एक मात्र क्यों है, इसका इन्फॉर्मेशन आगे देने वाला हूँ। फिलहाल टाइमिंग की बात करते हैं, टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6:15 से स्टार्ट होता है और रात के 11 बजे तक दौड़ता है। अगर आपको ज़्यादा डाउट रहेगा या कन्फ्यूजन रहेगा तो आप एक काम करिएगा, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में खोल के, ये आप देख सकते हैं एम इंडिकेटर करके एक ऐप रहेगा, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो इसमें आप चेक करेंगे तो आपको इसमें लोकल, फिर बस, फिर मोनोरेल सब आपको दिख जाएगा। तो जैसे मोनोरेल पे क्लिक करेंगे टूवर्ड्स किस तरफ आपको जाना है, तो मेरे को जाना है इस तरफ महाराज चौक की तरफ। तो यहाँ पर ओरिजिन डेस्टिनेशन मेरा चेंबूर रहेगा, तो आप देख सकते हैं 6:15 से लेके रात के 11 बजे तक जाता है। और मैं फ़िलहाल अगर मैं 2 बजे वाले, अभी तो 1:50 हो गया, तो 2 बजे एक ट्रेन आएगा, अगर 2 बजे वाली लेता हूँ तो आपको ये पूरा रूट दिखा देगा कौन कौन सा आएगा बीच में। जैसे चेंबूर स्टार्ट करूँगा VNP मार्ग जंक्शन, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर टाउनशिप, भारत पेट्रोलियम, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, आनंद टॉप हिल तक इसमें रहेगा और फिर आनंद टॉप हिल से संत गाड़गे महाराज चौक रहेगा, पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यही कुछ टाइमिंग रहने वाला है और यही सब स्टॉप्स रहने वाला है। आई गेस मैं 2 बजे वाली नहीं पकड़ूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत थंबनेल के लिए फ़ोटो तो लेना पड़ेगा। देखते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो पीली लाइन है ना, तो यहाँ पर भी पीली लाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे मेट्रो के लिए भी पीली लाइन का फॉलो करते हैं यहाँ पर भी सेम ही कर रहे हैं। तो देखते हैं फ़ोटो ले पाते हैं कि नहीं थंबनेल के लिए, अगर बढ़िया वाला ले लिए तो अच्छा है, आपको मालूम चल ही गया होगा। और एकमात्र मोनोरेल क्यों है ये भी आगे बताएंगे और हिस्ट्री सब बताते हैं। अभी पहले आ जाने दीजिए, थंबनेल ले लेने दीजिए, फिर बताते हैं। और पब्लिक ठीक ठाक ही है इधर, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। और उस तरफ तो खाली है क्योंकि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म सर्व कर रहा है चेंबूर से, और यही लास्ट है चेंबूर, आप इस तरफ देख सकते हैं, इसके आगे ट्रैक्स नहीं है। ये जो बीम देख रहे हैं ना, वो बीम पिलर है उधर और इधर एक बीम पिलर है, ये दोनों आप देख लीजिए, ये जो इधर है और वो उधर है ना, उसी पे, वो बीम पे ही अपनी मोनोरेल दौड़ेगी, कोई भी ट्रैक्स कुछ भी नहीं है। अपनी मोनोरेल, चलिए चलते अपनी मोनोरेल के अंदर पहली बार।
तो कुछ ऐसा दिखता है अपना मोनोरेल, अच्छा है भाई, ये तो मेट्रो जैसा ही है। वही ड्राइवर कैबिन है उस तरफ, ये अपना ड्राइवर कैबिन है और ये सब पैसेंजर के लिए है। तो बैठने का कुछ अलग ही नज़रिया है भाई, दो बैठने का उधर है, इधर फुल गैप खड़ा होने के लिए, इधर बैठने के लिए सेम, ये सब बोगी वैसा ही है। चलिए इस मोनोरेल की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं फिलहाल। तो ये मोनोरेल 2 फरवरी 2014 में पहली बार ऑपरेट हुआ था, तो लगभग 10 साल हो गया है। और बात करें नंबर ऑफ स्टेशन की, ओरिजिन और डेस्टिनेशन मिला के, तो टोटल अपना पड़ता है 17 स्टेशन। और बात करें टोटल नंबर ऑफ कोचेस की, तो 4 कोचेस है। और टोटल नंबर ऑफ ट्रेन कितनी है, तो 10 फिलहाल है MMRDA के पास। MMRDA कौन है, मतलब ये आके ओनर है मोनोरेल की, फुल फॉर्म आके क्या बोलते हैं, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, वही आके मोनोरेल की ओनर है। और फिर उसके बाद बात करें इसकी एवरेज स्पीड की, तो 32 आके इसकी एवरेज स्पीड है, अभी वो भी आपको दिखाऊंगा कितने पास जाती है, और मैक्स स्पीड आके कितनी होगी, 80 बस उतना ही है भाई। बोलने जाओ तो ये मोनोरेल आके मुंबई का एक फेल्ड प्रोजेक्ट है, इसलिए आपको मुंबई छोड़ के कहीं और नहीं मिलेगा मोनोरेल, क्योंकि ये फेल्ड प्रोजेक्ट है, इसलिए सिर्फ मुंबई में पहली बार इधर ही स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर देखने के बाद कहीं और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो भी मैं बताऊँगा आपको। पहले देखिए ऐसा कुछ नज़ारा मिलता है आपको, चलिए थोड़ा बहुत और आपको इंटीरियर्स इत्मीनान से दिखाता हूँ। तो अगर देखने जाएंगे तो वो एक डिस्प्ले बोर्ड आपको उधर ऊपर मिल जाएगा, तो ये सब जो खड़े रहेंगे उनके लिए ग्रैबिंग हैंडल सब रहेगा इधर। और फिर आपको हर डोर के पास स्टेशन दिखा देंगे, कौन सा स्टेशन लाइक टोटल कितने स्टेशन है वो आपको दिखा देंगे। डोर्स पूरा ऑटोमेटेड डोर्स रहेगा, और फिर आपको बड़े बड़े ग्लास मिलेंगे भाई, अब देखिए कितने बड़े ग्लास हैं। तो ये पूरा सीट है और पूरा ग्लास भी उतना ही है, फुल ग्लास बड़े बड़े हैं। और ये हम लोग आ गए हैं एक स्टेशन पे, फर्टिलाइजर टाउनशिप। तो ये हम फिलहाल मैसूर कॉलोनी स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, तो अपनी कर्नाटका की मैसूर इधर भी है भाई, तो ये मैसूर कॉलोनी करके रखे हैं। अभी इसका नाम मैसूर कॉलोनी क्यों है आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है। ये फिलहाल आप इसकी स्पीड देख सकते हैं, लाइक मैक्स स्पीड आके ऑलमोस्ट 48 टच कर चुका है। तो ये मैं लास्ट स्टॉप तक ऐसे ही छोड़ दूंगा, देखते हैं मैक्स स्पीड कितना टच करता है, एवरेज स्पीड भी देखते हैं कैसा रहता है, 32 और 80 क्लेम का वो चेक करता है कैसा रहता है। ये आप बगल में देख सकते हैं, उधर मेट्रो का काम चालू है, तो बगल में मेट्रो जाएगा, लाइक मोनोरेल के बगल में मेट्रो जाएगा, तो मोनोरेल छोटा भाई हो गया और मेट्रो आगे बड़ा भाई हो गया इसका। इधर एक स्टेशन भी बिल्ड कर रहे हैं मेट्रो का, ये देखिए कितनी मुंबई की पुरानी बसेस यहाँ खड़ी है, तो पुरानी बसेस उधर गई और इधर सामने देख सकते हैं नई बसेस खड़ी है। तो वो बगल में आप चेंबूर की डाउन लाइन देख सकते हैं, जो देखिए जॉइंट कैसे किए हैं बीम टू बीम, मैं देख के वो हैरान हूँ भाई, बीम टू बीम ये लोग ज्वाइन कर सके। अभी देखना फिर से आएगा, आजा 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 भाई, हाँ देखिए तो जॉइंट कैसे किए मेरे को भी आइडिया नहीं है, लेकिन सही है भाई, वो डाउन लाइन है और जो हम लोग जा रहे हैं वो अप लाइन है। बोले जाओ तो एक ही फेज है चेंबूर टू अपना दड़गे महाराज चौक, थोड़ा नाम सही से याद नहीं रहा है, बस एक ही लाइन है तो ये याद रखिएगा। और ये हम लोग पहुँच गए वडाला डिपो, एक अप एंड डाउन लाइन है लेकिन फेज एक ही है बस, जैसे अपना बैंगलोर में ग्रीन लाइन पर्पल लाइन है ना, तो आप समझ लीजिए बस ये एक ही है जो दौड़ता है फेस। ये देखिए कैसे घर है, बगल में पूरा बड़ा बड़ा बिल्डिंग है और उसके बगल में ऐसे घर सब है।
पूरा एक एरिया वैसे ही है, पूरा घरों के एक वैसे घर घरों के साथ। ये अपना एक कर्व हो रहा है, लेकिन कर्व तो सही से दिखेगा नहीं, बहुत छोटा है भाई, चार कोच का ट्रेन ही है मोनोरेल, तो क्या ही दिखेगा। तो वो पीछे गया वडाला स्टेशन, अपना वडाला डिपो स्टेशन। ये हम लोग पहुंच चुके गुरु तेग बहादुर मोनोरेल स्टेशन, और बगल में डाउनलाइन की मोनोरेल खड़ी है। भाई इसके कर्व्स का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, लेकिन नहीं हो रहा है। इतनी छोटी ट्रेन है ना, कर्व्स में तो जो आप वीडियो में देख पा रहे उतना ही वीडियो बन पा रहा है। एकदम लास्ट बोगी में बैठा हूँ, फिर भी कर्व्स का सही से वीडियो नहीं बन पा रहा है। चलिए अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, मतलब फ्रीक्वेंसी से पहले बात कर लेते हैं कितने दिन दौड़ता है हफ्ते में। तो हफ्ते में हर दिन दौड़ता है, मंडे टू संडे दौड़ता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप देखेंगे तो मंडे टू फ्राइडे आके 15 मिनट का फ्रीक्वेंसी रहता है, हर 15 मिनट में एक ट्रेन आता है, लेकिन सैटरडे संडे आके फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, 22 मिनट हो जाता है। तो हर 22 मिनट में एक ट्रेन आता है सैटरडे एंड संडे, मंडे टू फ्राइडे 15 मिनट में एक ट्रेन आता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है क्योंकि कोचेज आके नंबर ऑफ ट्रेन आके सिर्फ 10 ही है। अभी 2023 मार्च में लाइक MMRDA ने आके और 10 ट्रेन ऑर्डर किया है, तो देखते हैं और ट्रेन कब आता है। क्योंकि प्री कोविड से पहले क्या बोलते हैं राइडरशिप आके 10,000 to 17,000 था, कोविड के बाद थोड़ा कम हुआ क्योंकि कोविड के बाद तो पूरा हिट हुआ था हर चीज़, लेकिन अभी आके फिलहाल मस्त भीड़ चल रहा है भाई, पूरा ट्रेन लाइक पूरा मोनोरेल मस्त भीड़ चल रहा है। इसके और ऑर्डर कर दिए हैं, देखता है लाइक देखते हैं कब तक वो आता है। पीछे आप देखिए सब छोटे छोटे घर थे, आप ही देखिए सब बड़े बड़े एकदम स्काई स्क्रेपर स्टार्ट हो गए हैं। एक तरफ स्काई स्क्रेपर था पीछे, लाइक पीछे एक तरफ छोटे छोटे घर थे, अब इधर पूरे स्काई स्क्रेपर स्टार्ट है। तो सही है ये, इसकी वजह से क्योंकि ये मोनोरेल आके लाइक मुंबई सिटी को सर्व करता है और मुंबई सब अर्बन एरियाज को भी लाइक रीजन को भी सर्व करता है, और अभी जस्ट एक मोनोरेल पास हुआ, आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ही नज़ारे हैं। नज़ारे तो आपको भरपूर मिलेंगे भाई, तो ये बात याद रखिएगा, आ रहे हैं तो नज़ारे भरपूर मिलेंगे। मुंबई का आप सिटी लाइक अपसाइड और डाउनसाइड दोनों देख सकते हैं, एक फुल पॉर्च और एक, आप समझ जाइए क्या मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। इसके नीचे तो पहिए होंगे भाई, आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा, आई होप सो। वो बीम पे आप देख पा रहे होंगे दो पहिए के निशान एकदम क्लियरली दिख रहे हैं। ये देखिए प्रॉपर मुंबई एरिया में अभी एंटर कर चुका है हमारा मोनोरेल, एकदम प्रॉपर मुंबई एरिया है। आपको स्काई स्क्रेपर्स के अलावा और कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा इधर। तो ये ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला हूँ, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है एकदम पीछे से। तो जैसे मैंने बोला ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला हूँ गद्दी महाराज चौक पे। अभी आपको दिखाता हूँ स्पीड, 80 क्लेम के थे टॉप स्पीड ना, वो 80 नहीं चलता है, एवरेज स्पीड भी खास नहीं है। ये देखिए अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट पहुंचने वाले, जैसे मैंने बोला इतने पे क्रूज़ कर रहा है अभी फ़िलहाल अपना मोनोरेल। एवरेज स्पीड देखिए 25 है और मैक्स स्पीड 57 है, तो ये आप देख सकते हैं वो मैक्स स्पीड बस 57 है भाई। क्यू फेल्ड प्रोजेक्ट है, अभी रीच हो जाने दीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। और चेंबूर से गड़गे महाराज चौक तक कितना समय लगता है वो सब बताने वाला हूँ, और प्राइस भी बताने वाला हूँ, प्राइस अभी तक मैं नहीं बताया। पब्लिक देखिए कितनी थी इस मोनोरेल में, पूरा बोगी भरा था भाई, चार बोगी था, चारों ही भरा था, एकदम पैक था। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, अभी निकलते हैं बाहर और फिर आपसे बातें करते हैं। तो ये अपनी मोनोरेल निकल चुकी गड़गे महाराज चौक से, आगे पीछे से सेम फेसिंग है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, एकदम डुप्लीकेट लगेगा, जो आपको इस तरफ दिख रहा है सेम उस तरफ भी दिखेगा। तो चलिए अभी निकलते हैं नीचे और बात करते हैं
अभी बात करें प्राइस की, तो प्राइस पड़ता है ना पड़ता है अच्छा मिनिमम प्राइस एक्चुअली 10 रुपये पड़ता है और मैक्सिमम 40 रुपये पड़ता है। तो अगर आप चेंबूर से गड़गे महाराज इधर तक आ रहे हैं तो आपको 40 रुपये पे करना पड़ेगा। अभी मैं एग्ज़िट लूँ ही नहीं, एग्ज़िट लेना ही पड़ेगा, फिर से मैं मोनोरेल यूज़ करके ही जाने वाला हूँ। तो अभी और आई गेस 22 मिनट, हाँ 22 मिनट के बाद ही ना, 22 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, टिकट लेके वापस आ जाता हूँ फिर से। ये मैं अपनी रिटर्न टिकट लेके आ गया, एक्चुअली मैंने आपको टिकट भी नहीं दिखाया था ना, तो टिकट दिखा देता हूँ। तो सेम मेट्रो जैसा ही टिकट देंगे ये लोग, जैसे मेट्रो में मुंबई मेट्रो में जैसे देते हैं वैसे ही देंगे। तो मैं ये सफ़र एक्चुअली 3-3 को कर रहा हूँ, तो ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, 3 मार्च को कर रहा हूँ तो ये लेट आएगा। और बात करूँ, अभी बात करते हैं क्यों मोनोरेल आके फेल्ड प्रोजेक्ट है, एक्सेप्ट मुंबई में और कहीं इंडिया में क्यों नहीं है ये। बात करने जाऊँ क्यों नहीं है, तो आपको मालूम चल ही गया होगा, मैंने आपको टॉप स्पीड बताया, टॉप स्पीड अराउंड 50 था इसका। और देखने जाएंगे तो भाई डिस्टेंस, आप मैं बोलूँ ना डिस्टेंस आके 19.5 किलोमीटर कुछ है, और ये अप्रॉक्सीमेटली कितना मिनट ले रहा है जानते हैं आप लोग? अप्रॉक्सीमेटली ये 40 प्लस मिनट ले रहा है एकदम आराम से, 19.5 किलोमीटर के लिए 40 प्लस मिनट्स ले रहा है। अगर आप बात करेंगे तो चेंबूर से यहाँ तक गड़गे महाराज चौक तक तो मुंबई के ट्रैफिक के हिसाब से ठीक है, लेकिन मेट्रो के हिसाब से लाइक फिलहाल ये मोनोरेल है, ये मेट्रो ही बोल सकते हैं आप, मेट्रो का छोटा भाई ही है एक्चुअली, तो इसको मेट्रो ही बोल सकते हैं। तो ये मोनोरेल इतना टाइम ले रहा है इसलिए एक ये रीज़न एक है क्योंकि इसका एवरेज स्पीड 25 भाई एकदम बकवास था, और फिर टॉप स्पीड तो और भी बकवास था, इससे फास्ट तो हम लोग 2-व्हीलर चला के लेके आ सकते हैं, तो ये एक रीज़न है। और उसके बाद एक और रीज़न बोलूँ तो प्रॉब्लम क्या आता है, जब चढ़ाई आता है ना तो ये चढ़ाई चढ़ नहीं पाता है एकदम, जैसे एकदम चढ़ाई एकदम फ्लैट चढ़ाई आ गया ना तो ये नहीं चढ़ पाता है, वो भी एक रीज़न है। और बात करें कर्व्स, कर्व्स में भाई फ्लैट टर्न नहीं मार पाता है एकदम, वो भी एक थोड़ा बकवास है इसका। और कर्व्स में इतना हिलता है ना एकदम, आप क्या ही बोले, अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे आप ही को मालूम चलेगा। कर्व्स में क्या नॉर्मली भी बहुत हिलता है ये ट्रेन, तो वो भी एक रीज़न सब हो सकता है। एक्चुअली मुंबई के बाद आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चेन्नई में इसको बनाने वाले थे मोनोरेल को, लेकिन मुंबई का देख के नहीं बनाया क्योंकि उस समय एक फील्ड प्रोजेक्ट करके डिक्लेयर हो गया था एक्चुअली, तो इसका ये भी एक रीज़न था। और फिर उसके बाद एडवांटेज बात करूँ तो इसका एडवांटेज भी है एक्चुअली। देखिए मैंने मेट्रो के साथ तो बोल दिया ये मेट्रो का छोटा भाई है, मेट्रो आगे बड़ा भाई है, लेकिन मेट्रो में आप देखेंगे तो पिलर्स के लिए स्पेस ज़्यादा लेता है एक्चुअली मेट्रो में, क्योंकि उसमें 2 लाइन बिछाते हैं लोग, अप उसमें 2 लाइन बिछाना ही पड़ेगा, अप एंड डाउन लाइन तो बिछाना ही पड़ता है, इसमें भी अप एंड डाउन लाइन है, लेकिन क्योंकि ये नैरो बीम पे चलता है ना तो इसका पिलर बहुत कम जगह लेता है। तो नीचे मैं एक्चुअली रिटर्न में जा रहा हूँ ना, तो चेंबूर में आपको दिखा दूंगा कितना कम स्पेस लेता है, वो भी एक इमेज एक्चुअली स्क्रीन पे अभी आ ही रहा होगा, मैं तब तक तो निकाल ही ले आऊँगा, तो स्क्रीन पे आप आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं कितना कम स्पेस लेता है ये। और मेन रोड एक्चुअली ये पूरा लाइन मेजॉरिटी मेन रोड पे ही दौड़ रहा है, मेजॉरिटी क्या आई गेस 100% मेन रोड पे ही दौड़ रहा है पूरा ये, वो एक एडवांटेज है इसका। और प्लेटफॉर्म भी ज़्यादा बड़ा नहीं लेता है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, क्योंकि बस 4 बोगी है ना, तो 4 बोगी कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म देगा भाई, तो ये 2 एडवांटेज भी है इसका एक्चुअली। और प्राइस के मामले में आई गेस ठीक ठाक ही है, क्योंकि मेट्रो भाई मेट्रो फास्ट है, मेट्रो कोई भी चढ़ाई चढ़ सकता है, फिर उसके बाद मेट्रो का प्राइस भी और इसका प्राइस भी सेम ही है, तो लोग मेट्रो ज़्यादा प्रेफर करेंगे टाइम बचाने के लिए, तो वो मेजर रीज़न है। और तब तक आई गेस मेट्रो भी स्टार्ट हो गया था मुंबई में कि नहीं, लाइक 2014 में आई एम श्योर, अगर आपको मालूम होगा तो बता दीजिएगा, क्योंकि मेट्रो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है भाई, हर जगह बढ़िया प्रोजेक्ट है मेट्रो, तो इसलिए हर जगह मेट्रो को ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब तो देखेंगे आप क्या बोलते हैं, छोटे छोटे सिटी में भी लाइक मेट्रो आ रहा है, जैसे कोई बड़ा सिटी नहीं है तो भी मेट्रो डाल दे रहे हैं, तो पता नहीं वो एडवांटेजेस रहेगा कि नहीं, देखते हैं, वो तो फ्यूचर में पता है चल ही जाएगा। और बात करूँ पार्किंग की तो चेंबूर स्टेशन पे लाइक मोनोरेल स्टेशन के पास पार्किंग नहीं आई गेस, किसी भी मोनोरेल स्टेशन के पास पार्किंग नहीं है, तो एक ध्यान रखिएगा अगर आपको मोनोरेल एक्सपीरियंस करना है तो पार्किंग पे एंड पार्क आपको ढूंढ के पार्क करना पड़ेगा। मैं भी चेंबूर के पास पे एंड पार्क ढूंढा गूगल में, मिल गया, नज़दीक में ही मिला, वॉकेबल डिस्टेंस पे, तो वहाँ पर पार्क किया मैंने। और बात करूँ टिकटिंग के लिए तो टिकटिंग में कैश एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद UPI भी एक्सेप्ट करते हैं, वो एक अच्छा बात है एक्चुअली, मुझे लगा UPI नहीं एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि कहीं पर भी लिखा नहीं था कि UPI एक्सेप्टेड, और जहां पर स्टिकर डाले थे वहां पर
पूछा, लाइक उसको मिटा ही दिए थे, कवर कर दिए से कर दिए थे दूसरे पेपर से। फिर मैंने पूछा तो उनके पास एक डिवाइस था जो UPI एक्सेप्ट करता है और ऑनलाइन आप कहीं से ख़रीद नहीं सकते हैं फिलहाल, वो एक ये है, आपको काउंटर से ही टिकट सब लेना पड़ेगा। जैसे मेट्रो में सब अब ऑनलाइन सिस्टम कर दिए हैं, लाइक ऑनलाइन टिकट आप ले सकते हैं मेट्रो में, फिर उसके बाद लोकल टिकट्स ट्रेन का भी आप ले सकते हैं, बट मोनो रेल का नहीं, क्योंकि भाई ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और एक तरीके से फेल्ड प्रोजेक्ट है इसकी वजह से। और राइडरशिप तो अभी बढ़ा है तो इसलिए ऑर्डर किए हैं और मोनो रेल देखते हैं। ये एक्चुअली जो ये संत गडगे महाराज स्टेशन है ना, लाइक मोनो रेल स्टेशन, ये थोड़ा बड़ा है देखने जाएंगे, क्योंकि अपना मोनो रेल ये ब्लैक कलर जो रॉड है ना इधर ही रुक जाएगा और एकदम पीछे तक तो नहीं ही जाएगा, ये सब एक्स्ट्रा स्पेस है तो शायद ही क्या है, नहीं भाई इतना एक्सटेंड नहीं कर, लाइक कोचेस नहीं ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि दूसरे मोनो रेल स्टेशन तो सब चार कोचेस के लिए ही बने हैं। और बोलने जाओ स्टेशन की मेंटेनेंस की बात करो तो स्टेशन मेंटेनेंस उतना ठीक नहीं है एक्चुअली, और फिर जो टिकट स्कैन करते हैं ना वो भी ऑलमोस्ट अनमेंटेन्ड ही है, तो पता नहीं इनको आ रहा है कि नहीं मेंटेन करने के लिए, क्या कर रहे हैं वो तो पता नहीं है भाई। लेकिन स्टेशन मेंटेनेंस क्लीनिनेस ठीक है भाई, क्लीनिनेस अच्छा है, लेकिन मशीन का वर्क करना वो सब उतना अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो क्या ही बोल सकते हैं। देखिए चलिए, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपको मालूम है क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ही है और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है भाई, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर कुछ पसंद नहीं आया होगा तो डिसलाइक करिए और उसके बाद क्या करना है, कमेंट कर दीजिएगा। अगर कुछ पसंद नहीं आया होगा तो डिसलाइक कर दीजिए, और अगर कुछ पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन डिसलाइक करते वक्त कमेंट में बता दीजिए क्यों डिसलाइक कर रहे हैं ताकि हम अगली बार सुधार सकें। चलिए उसी के साथ हम आपसे लेते हैं क्या, अलविदा।